अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हाजिर हुआ हूं C++ प्रोग्रामिंग की एक न्यू क्लास के साथ। इस क्लास में इंशाल्लाह हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और हेडर फाइल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको जिस तरह एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताया था और मैंने आपको कहा था कि स्टेप बाय स्टेप हम इन तमाम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, तो आज हम पहला कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड हेडर फाइल्स। तो चलें शुरू करते हैं, स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। देखिए, ये हमारा वो पहला प्रोग्राम है जो हमने पिछली क्लास में रन किया था, राइट, क्रिएट किया था, और इससे हमने जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले किया था, दिस इज मी, राइट। और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ था, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, राइट, और उसके बाद हमने लिखा था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, राइट, और सेमी कॉलर, ठीक है। अब छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको पहले जरा सा बता दूं कि ये जो सी आउट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हमारे प्रोग्राम में तब यूज होता है जब हमने स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले करना हो। लेट्स से मैंने 2 या 3 मैसेजेस डिस्प्ले करने हैं, तो आप क्या लिखें यहाँ पे, सी आउट, ठीक है, और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ये आपने एज इट इज इसी तरह लिखना है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है, ऐसे करके। और एक बात और याद रखें, जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो हमेशा इन डबल कॉमास के अंदर होना चाहिए, वरना अगर देखिए आपने डबल कॉमा लगाए बगैर कुछ रन करने की कोशिश की तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एरर देगा। तो मेक श्योर जो भी आपका मैसेज हो वो आपने कहां वो करना है, आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, राइट, और सेमी कॉलन लगा रहा हूँ। और अब आप इसे रन करें F9, जिस तरह मैंने पिछली क्लास में कंपाइल करना बताया था, और F10 से आप क्या कर सकते हैं, इसे रन कर सकते हैं। तो देखिए ये मैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, राइट, आई होप सो। इसके बाद आ जाए ये सी आउट क्या चीज है। तो ये सी आउट जस्ट मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अब आपको मैं जरा इस पहली लाइन के मुतालिक बताता चलूं जिसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड हेडर फाइल्स। देखिए जो आपको हैश इंक्लूड नजर आ रहा है ना, ये कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या है, देखिए हमारे इसके जो हमारी ये जो कोड को चेक करने वाला कंपोनेंट है उसको क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। तो ये जो नाम है हैश इंक्लूड, ये कंपाइलर को बता रहा है कि हम एक मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हम बाद में यूज करेंगे। देखें अब अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूं और मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूं तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, जरा पढ़ें कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मतलब क्या कि आपके पास जो यहाँ पे कि सी आउट लिखा हुआ है ये पहचान ही नहीं रहा कि सी आउट क्या चीज है बेसिकली, ठीक है। और ये कब तक नहीं पहचानेगा, जब तक इसका मॉड्यूल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसका मॉड्यूल नहीं होगा। लेट से मैं यहाँ पे अब लिखता हूं हैश इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम। अब ये जो है ना, ये आईओ स्ट्रीम, ये इसको कहते हैं हेडर फाइल। इस फाइल के अंदर ये सी आउट डिफाइन है। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास मिसाल के तौर पे 3 घर है, ठीक है, एक जमशेद का घर है, एक खुबेब का घर है और एक उसामा का घर है, लेट्स से, ठीक है। तो अगर आपने जमशेद को आवाज देनी है, जमशेद को बुलाना है, तो आप क्या करेंगे, आप जमशेद के घर में एंटर होंगे, या ठीक है आपको जमशेद को नीचे बुलाना पड़ेगा या बाहर बुलाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो है ये अलग अलग घर हैं, आप ऐसे समझ लें, ठीक है, जिनके अंदर ये लोग हैं। तो अगर आपने इन लोगों को एक्सेस करना है या इन लोगों को बुलाना है, ये जो सी आउट है आप ऐसे समझ लें एक इंसान है, अगर आपने इस बंदे को बुलाना है तो आपको किस चीज की जरूरत है, आपको उस घर को इंपोर्ट करने की जरूरत है, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत है, उस कॉम्पोनेंट को इंपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं कि देखिए ये जो आईओ स्ट्रीम की फाइल होगी हमारे पास, ये C++ के अंदर एक फाइल होगी जिसके अंदर प्रॉपरली सी आउट और सी इन डिफाइन होंगे। सी इन की चीजें वो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम सी इन इस्तेमाल करते हैं, और हमें आउटपुट डिस्प्ले करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सी आउट का यूज करते हैं। तो आप देख लें जरा ये आईओ स्ट्रीम जो अब हमारे पास है, इस हेडर फाइल के अंदर जाके देखते हैं कि क्या वाकई ही सी आउट हमारे पास वहां डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूं, मैं इसको जरा मिनिमाइज करके यहां से अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चला जाता हूं। यहां पे आने के बाद ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सी। इसमें जाने के बाद आपके पास एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा MinGW। इस MinGW पे क्लिक कर लें। MinGW पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें ये इंक्लूड नजर आ रहा है, जो आप यहाँ पे ये इंक्लूड लिखते हैं ना, ये वही फोल्डर वाला इंक्लूड है कि इस इंक्लूड के अंदर एक हमारे पास फाइल है जिसका नाम है आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम को इसके अंदर डाल दो, इस प्रोग्राम के अंदर डाल दो, क्योंकि हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं जो इस फाइल के अंदर है। मेरी बात समझ आ रही है, देखें ये ऐसे ही है। देखें अब इधर आए यहाँ पे इंक्लूड के अंदर, इंक्लूड के अंदर आने के बाद आप इधर से C++ के अंदर चले जाएं और C++ के अंदर आप देख लें, यहाँ पे आप सर्च करें आईओ स्ट्रीम। तो देखिए आपको आईओ स्ट्रीम की फाइल नजर आ रही है ना,
हो सकता है आपके पास ओपन ना हो, इसीलिए मैं आपको ये यहाँ पे प्रॉपरली ओपन करके बता देता हूं। देखें, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन करता हूं। जरा देखें, इसके अंदर प्रॉपरली सी आउट डिफाइन होगा। आप जरा देखें इसको गौर से, यहां आ जाए, नीचे आ जाए, तो देखें आपको यहां पे सी आउट प्रॉपरली लिखा हुआ नजर आएगा। सी दिस, ये क्या लिखा हुआ है, सी आउट। ये देखें यहां पे आपको एक ओ स्ट्रीम लिखा हुआ नजर आ रहा है, आई स्ट्रीम, और यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, सी आउट। तो प्रॉपरली देखिए, सी आउट का जो ऑब्जेक्ट है वो किस लिए स्पेसिफाई किया गया, वो आईओ स्ट्रीम की फाइल के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। तो ठीक है, अगर आपको, आप ऐसी एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा चाहिए, लेट से मुझे कोई फोल्डर चाहिए, आप यहां आ जाए, लेट से मुझे इस फोल्डर को चाहिए, ये फोल्डर चाहिए ऑल सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए इस ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा। इसी तरह आपको अगर सी आउट का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको किस फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, आईओ स्ट्रीम की फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपको यहां पे प्रॉपरली उस फाइल को स्पेसिफाई करना है। सबसे पहले इस फाइल को कहा जाता है हेडर फाइल। तो ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है किस चीज की, आपके इस सी आउट ऑब्जेक्ट की। आप इस सी आउट को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप इस हेडर फाइल को इंपोर्ट ना कर लें, ठीक है। और ये हैश इंक्लूड आपको वहां पे वो फोल्डर नजर आ गया होगा प्रॉपरली, जो जिसके अंदर जाके हमने आईओ स्ट्रीम की फाइल को एक्सेस किया है, राइट। तो ये हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड हेडर फाइल्स। इसके बगैर आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं कर सकते। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने आपको इस फर्स्ट लाइन की, यानी कि जो आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और हेडर फाइल्स हैं, इनकी एक कंप्लीट डिटेल बता दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।